वैद्य शीतला प्रसाद जी, आप ये बताइए कि आपको क्या परेशानी थी मुंह में जब आप हमारे पास यहाँ आए थे? पहले हमको ये इस साइड में हाँ जबड़ा जो था वो बैठ गया था जबड़ा जी। तो सीतापुर में भी हमने दिखाया डॉक्टरों को, कई डॉक्टर, फिर वहाँ से भी कोई फायदा नहीं हुआ जी। तब हम लखनऊ आए, लखनऊ आने के बाद यहाँ पे भी हमने चेक करवाया तो बताया तो कैंसर है। तो एक पदम डॉक्टर इसी का जो मेडिकल कारोबार, ये टेढ़ा भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता है, इसकी कोई मेरी गारंटी नहीं। फिर हम वहाँ पे गए, लोगों ने कहा कि ऐसे तो ठीक भी नहीं, इससे अच्छा तो बेकारी है, आप इतना पैसा भी खर्चा करेंगे और कुछ नहीं होगा। फिर हमको विधायक ने, हमारे ओम प्रकाश विधायक ने ही कहा कि आप कानपुर चलिए, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर गए इंस्टीट्यूट। तब हम वहाँ गए, ये लार से और ये सब देख करके उन्होंने ब्लड वगैरह का, तो वहाँ पे शिकायत होने लगी बिजली की। बिजली की शिकायत होते होते हमको डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीने होने के बाद रिएक्शन हो गया, तो डॉक्टरों से हमने कहा और हमारे लड़के ने कहा कि इनको ठीक करिए, तो उन्होंने कहा कि अब ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप वहाँ पे भर्ती करवा दीजिए, जबकि हमसे एक पानी फूट भी नहीं जा रहा था, और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दीजिए। तो हमने कहा इससे अच्छा चलो घर। तब फिर हमने कहा अच्छा, कमल जो वहाँ पे डायरेक्टर है उसको हमने बुलवाया, हमने कहा वो भी तो उनसे भी तो पूछ लो। तो वो लड़का ले आया उनको डायरेक्टर, उन्होंने देखा था कि रिएक्शन हो गया है, अब आप ले जाइए। तो आने को थे तब तक सिवली वैद को वहाँ पे संपूर्ण नगर का एक कार्ड था, वो ठीक हो चुका था। तब वैद जी के यहाँ वहाँ से कानपुर से सीधे चले आए। सीधे चले आने पर जो जबड़ा नहीं खुल रहा था उसमें वैद्य जी ने हमको दवा थोड़ी सी हमारे हाथ में ना दी बाई तरफ, और दाहिनी से हमने रगड़ना शुरू किया, तो वो थोड़ा सा अपने आप ही 10 मिनट में आपका जबड़ा खुल गया। 10 मिनट में हमारा जबड़ा खुला, तब हमें विश्वास हो गया कि हमको अब ये सिडनी ठीक करते हैं। तो हमने यहाँ से इलाज करवाया तो 6 महीने में हम बिल्कुल दुरुस्त हैं। 1 महीने के बाद तो हमने खाना वाना सब खाना शुरू कर दिया और अपने हाथ से चलना फिरना ये सब काम करते थे। वैसे हम हर वक्त पड़े ही रहते थे, केवल सांस लेते थे, कोई चीज़ नहीं जाती थी, ये सब हालत थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अब आप इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि आप इतने बड़े वैद्य शीतला प्रसाद जी नीमसरण के रहने वाले आप ठीक हो गए हैं और आपने इतनी लोगों की सेवा की है और आज हमें मौका मिला आपकी सेवा करने का और आप भी ठीक हो गए, वह इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया।